सक्यकरण उपदिश्य रामलक्ष्माना वनुज्ञाप्य स्वर्गं प्रतिकृत प्रस्थानं दर्शयित्वा तु रामाय सीताय परिमार्गणे वाक्यमन्वर्तय अन्वर्तमर्तज्ञह कबन्द पुनः अवरब्रवी येश रामशिव पुष्पिता धृमाह प्रतिचीम प्रतीचीं दिशमाश्रित्य प्रकाशान् प्रकाशन्ते मनोरमाः जम्बूप्रियालपनसा न्यग्रोदप्लक् प्लक्ष् प्लक्ष दिंदुकाश्वत्थ कर्णिराशत्ये च पादना नागवृक्षाश तिका नक्तमल नीलशोका कदंबाश करवीराश पुष्पिता अग्निमुख्याशोकाश सुरक्ता पारिभद्रका भवा भूमौ पातयित्वा च तान् बलात् फलान्य अमृत भक्षयित्वा गमिष्यतः तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वनं पुष्पित पादपम् नंदन प्रतिमं त्वं कुरवत्सु तूतरायिव सर्वकाल फला यत्र पादपा सर्वे चरुतवस्तत्र वने चैत्र रथेमय यथा फल भारन तास्तत्र शोभन्ते सर्वतस्तत्र मेघ पर्वत सनिभाह तानारुह्य वर्तवा भूमौ पातयित्वा तवा सुखम् कल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदास्यति शङ्कमन्तौ वराध्वनम् ततः पुष्करि पुष्करिणीं वीरौ पम्पां नाम गमिष्यत अशर्कराम विभ्रांशां असमर्तिता मशैवलाम् राम संजात वालुका कमलोत्फल शोभिता त्र हम साफ्लवा क्रौचा पुराश्च राघव वलगु वलगुस्वरा विगूच निगूजती पंपा सलिल गोचरा नोद्विजंते

न त तदा कृष्टं रूप रुप्यस्फटिकक knn सन्निभम अत पुष्करपर्णीन लक्ष्मणपाययष्यति स्थूलग्निगि स्थूलग्निगिरिगुह शय्यान वानरान वनचारिनः सायहने विचरण राम दर्शयष्यति लक्ष्मणः अपाम लोभात् लोबातु पावृत्तां वृषभानिवद नर्दतह स्थूलान् स्थूलान् पीतां शपंपायं दक्ष्यसि त्वं नरोतम साया सायाहनी विचरण राम मिटपि माद्य धारिनह मालयदारिनह शिवोदकं च पंपायं दृष्ट्वा शोकं विहास्यसि सुमनो बिच्छितास्तत्र तिलका नक्तमाल उत्पलानि च पुल्लानि पङ्कजानि च राघव न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपयिता नरः न च वै ग्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव मतङ्गशिष्यास्तत्र सन् ऋषयः सुसमाहिताः तेषां भाराभित वितप्तानां वन्यमाहरतां गुरोः ये प्रपतुर्म महीं तूर्णं शरीरा स्वेदबिन्दवः तानि माल्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा स्वेदबिन्दुसमुत्तानि न विनश्यन्ति राघव तेषां गतानां मध्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुस्त विरजीवि चिरजीविनी स्वाम धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूत नमस्कृतं दृष्ट्वा वे देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति ततस्तद्रामपं पम्पाया स्थिरमाश्रित्य पश्चिमं आश्रमस्थानं मतुलं गुह्यं काकुस्त पश्यसि न क्रमितुं नागा शक्नुवन्ति तदाश्रमे विविधास्तत्र वै नागा येन पर्वते ऋषेस्तस्य मतङ्गस्य विधाना तच्च काननं मद मद मतङ्गवनमिवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन तस्मिन् नन्दनसङ्काशे देवरं यो पमेवने न नाविहक्क संकीर्ने सहरंस्यसे रामनिर्ब्रितः ऋष्यमुक्तपंपाया पुरस्तात पुष्पितः द्रुमहम् सुधुक्कारोहनशचिवः शिशुनागाभिरश्रक्षितः उदारो ब्रह्मनाचिवः पूर्वकाले विनिर्बितः निर्बितः निर्मितः उदारो ब्रह्मणश्चैव पूर्वकाले बिनर्मितः शयानः पुरशो राम तस्य शैलस्य मुदनि यस् लभते चितवित्तं तत्त्व दिगच्छति नत्वेनम विषमाचार पापकर्मादि यस्त्वेन विषमाचारः पापकर्मादिरोहति तत्रैव प्रहरन्त्येन सुप्तमादाय राक्षसाः ततोऽपि शिशुनागानामाक्रन्त श्रूयते महान् क्रीडता रामपम्पायां मतङ्गाश्रमवासिनां सत्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमाद्विपाः प्रचरन्ति पृथक् कीर्ण मेघवर्णस्तरस्विनः ते विमलं चारुशोभनम् अत्यंत सुख संस्पर्शं निवृत्ता

कदाचित् शिखरे तस्य पर्वतस्यापि तिष्ठति कबन्धस्त्वनुशास्यैवं तावुभौ रामलक्ष्मणौ स्रग्विभास्करवर्णाभः स्वे व्यरोचत वीर्यवान् तं तु तं तु कस्थं महाभागं तावुभौ रामलक्ष्मणौ परिस्थितौ ्रजस्वे रजस्वेति मूचत मूचत रिके गम्यता कार्य सिद्ध्यतिर तब्रवीत तवनुज्ञाप्य सतत्व का बंध प्रतिपद्य रूप मृत श्रिया बास्वर सर्वदेह निदर्शयन रामेक्ष कस्त सख्यम करुष्वेति कुरुष्वेति तदाभ्युवाच निदर्शयन रामेक्ष स्वस्थ सख्यम कुरुष्वे तदाभ्युवाच इशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीक आदि काव्ये अरण्य कांडे त्रिसप्तति सर्गः